अब सेवा करना तो मुश्किल नहीं, घर में काम धंधा करते हो, खाना बनाती है बहने तो यहां लंगर बना लो, पानी पीते हो यहां पिला दो, झाड़ू लगाते हो यहां लगा दो। वो आपके घर में झाड़ू लगाना जरूरी है, सफाई रखना जरूरी है, लेकिन यहां अगर झाड़ू लगाते हो तो आप अपने कर्मों को झाड़ू लगा के बाहर निकाल रहे हो। यहां अगर सेवा लंगर पानी बनाते हो तो आप अपनी आत्मा की खुराक बना रहे हो। यहां एक कदम भी चलते हो राम नाम जपते हुए तो समझो दुनिया में राम नाम जपने से यहां का एक कदम सैकड़ों गुना बढ़ के है। पर भावना सदगुरु से जुड़ी होनी चाहिए, भावना मालिक परमात्मा से जुड़ी होनी चाहिए। यहां बैठ के इधर उधर वो प्रोग्राम चल रहा है तो आप अपनी भक्ति को काटते जा रहे हो, काटते जा रहे हो, काटते जा रहे हो। तो ये जरूरी है, यहां अगर एक कदम का फल इतना मिलता है तो जरा सोचो, यहां अगर कुछ आप गलत सोचें, सोच की कोई बात नहीं, 5 मिनट सिमरन करो खत्म हो जाएगी, पर गलत देखते हो, गलत करते हो, उसका फल फिर कितना होगा ये भी कहने सुनने से परे। तो इसलिए हमेशा ये बात दिमाग में रख के ही सत्संग में बैठा करो कि हाँ भाई हमने अपना ध्यान अल्लाह वाहिगुरु राम के ख्यालों में लगाना है। इसलिए यहाँ भजन बंदगी चलती है, शुरू हो जाती है, शब्द वाणी शुरू हो जाती है, ताकि गा कौन रहा है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, चल क्या रहा है और शब्दों में क्या है और सदगुरु मौला ने वो लिखे हैं, इस बात पे अगर ज्यादा ध्यान दोगे तो मालिक की खुशियों से लबरेज जरूर हो जाओगे। और गाने वाला भी सदगुरु को ध्यान में रख के गाए, इसलिए ना गाए कि लोग उसे देख रहे हैं या मान बढ़ाई के चक्कर में कि भाई हाँ किस किसने ताली मारी यार, कौन देख रहा है यार, हाँ वाह भाई वाह, उस चक्कर में मत पड़ के ये सोचे कि हाँ क्या सदगुरु ने मेरा ये भजन बंदगी कबूल की होगी। उसके चरणों में ध्यान रख के गाओ, चरणों में ध्यान रख के बोलो, तो यकीन मानो आपकी भी भक्ति ज्यादा और कई गुना ज्यादा होगी। श्रोता और सुनाने वाला दोनों इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कई होते हैं ऐसा गाने का, भाई मैं स्टाइल मारा, मैंने ये कपड़े वो कपड़े, अब मेरे को कौन कौन देख रहा है, देखने को क्या तेरे को सींग निकल आए या कुछ अलग से लटक रहा है जो तेरे को देख रहा है। वो तो सदगुरु के वचन है, राम नाम तू गा रहा है तो लोग खुश हैं। इसलिए हमेशा मान बड़ाई में ना फंस के दीनता नम्रता धारण करके राम का नाम गाओ। सुनने वाले का ध्यान, हाँ भाई ये ऐसा वैसा, तो समझ लीजिए आप अपनी भक्ति कटवा रहे हो। और ध्यान लग गया कि वाह शास्त्र नाम शाह मस्तान क्या गजब का लिखा है, इसलिए हम ज्यादातर आपको जोर देते हैं कि आप उन्हीं भजनों को गाया करें, क्योंकि आपकी बनाई चीज आपको ही खुश कर सकती, किसी दूसरे को नहीं। और सदगुरु के बनाए वचन वो तो पूरी दुनिया को खुश करते हैं, त्रिलोकियों को खुश कर देते हैं। तो भंगीदास भी ये थोड़ा ध्यान रखा करो। भंडारे के समय बहुत सारे भजन हैं, अब तो भंडारे के भजन भी इतने ज्यादा हैं कि चाहे 100 कबीराज गा ले तो 100 गा सकता है, और गाना चाहे परमपिता ने इतने ग्रंथों में भरे पड़े हैं, तो अगर वो ज्यादा गाए जाएं भंडारे के दिनों में खास करके तो ज्यादा अच्छा है।